आज के चटपटे कुरकुरे और टेस्टी से नाश्ते को बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप बेसन और 2 बड़े चम्मच सूजी। और सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से छान कर ही लेना है। उसके बाद मिलाएंगे कुछ मसाले, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, 1 छोटा चम्मच गुड़िया चीनी और दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च और बारीक कटा हुआ करी पत्ता। साथ ही मिलाएंगे 3 से 4 चम्मच तेल। आप चाहे तो यहाँ पर करी पत्ता की जगह बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ले सकते हैं। आप इसमें 1/4 छोटा चम्मच खाने वाला मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। उसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद डाल देंगे 1/2 कप दही, और दही के साथ ही डाल देंगे 2 मुट्ठी बारीक कटा हुआ पालक। आप चाहे तो पालक की जगह बारीक कटी हुई मेथी भी डाल सकते हैं। फिर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए आटा लगा लेंगे। तो मेरे को यहाँ आटा लगाने के लिए पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप 1-1 चम्मच करके दही या पानी ले सकते हैं। इसके बाद हाथों में अच्छे से तेल लगाकर छोटी छोटी लोई बना लेंगे। छोटा साइज रखने से पकने में टाइम भी कम लगता है और ये अंदर तक अच्छे से पक भी जाता है। आप चाहें तो इसे अपनी पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं। उसके बाद जब सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा तो एक जाली वाली थाली में अच्छे से तेल लगाकर सभी नाश्ते को उसमें रख देंगे। इसके बाद हम इसे स्टीम करेंगे। तो मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर लगभग 20 मिनट के लिए स्टीम किया है। उसके बाद इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और नाश्ता अच्छे से पका है या नहीं ये जानने के लिए आप टूथपिक या नाइफ से इसे चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच राई, 1/2 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल, 2 चुटकी हींग, थोड़ा सा करी पत्ता और दरदरा कुटा हुआ अदरक और लहसुन। आप इसको आटे में भी डाल सकते हैं। मैं डालना भूल गई थी तो मैंने इसको तड़के में ही डाल दिया। फिर इसको हल्का सा भूनने के बाद इसमें डाल देंगे अपना स्टीम किया हुआ नाश्ता और धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक के लिए इसे अच्छे से अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। तो हमारा टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार है। आपको ये कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।